अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ड्राई चिकन चिल्ली की रेसिपी। बहुत ही होटल जैसा टेस्ट आएगा, तो ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँगी काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच में लाल मिर्च पाउडर, और रेड चिल्ली सॉस ऐड करना है हमें, वेनेगर और नमक ऐड कर देना है। अब इसे मिक्स कर लेंगे हम। अब इधर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर आटा, 1 चम्मच मैदे का आटा और 1 अंडा ले लिया है। मिक्स करके मैंने 15 मिनट रेस्ट करने छोड़ दिया था। अभी 15 मिनट के बाद हमें इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। इसका हमें सुनहरा कलर देना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल इस तरीके का होना चाहिए। तो लीजिए, आपका चिकन फ्राई हो गया। अब चलिए चिल्ली बनाते हैं। यहाँ मैंने चॉप करके लहसुन ऐड कर दिया है, चॉप करके अदरक ऐड कर दिया है, ये मैंने 1-1 चम्मच ही लिया है। अब इधर हरी मिर्ची कट करके, शिमला मिर्च और प्याज, ये तीनों हम ऐड करके इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। जैसे ही अचकचा हो जाएगा, इसके अंदर हम वापस रेड चिल्ली ऐड करेंगे, विनीगर ऐड करेंगे और थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करेंगे, मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमेटो केचप, और फिर इसे मिक्स करके हमें इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रेड फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। आपको अगर रेड फूड कलर ऐड करना है तो करिए, नहीं करना है तो स्किप कर दीजिए। अब इधर चिकन ऐड कर देंगे, उसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर आटा पानी में ऐड करके इसके अंदर डाल दिया है। अब आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, 1 चम्मच मैंने इसलिए डाला ताकि मुझे ड्राई चाहिए था इसके लिए मैं। अगर आपको ज़्यादा इसकी क्वांटिटी चाहिए ग्रेवी की, तो आप इसे 2 कॉर्नफ्लोर चम्मच आटे के अंदर पानी मिक्स कर सकते हैं। तो लीजिए, आपका ड्राई चिकन चिल्ली रेडी हो चुका है। बहुत ही यम्मी एंड बहुत ही होटल जैसा टेस्ट आया था। और मैंने शक्कर नहीं ऐड किया था क्योंकि मुझे वैसा चिल्ली बिल्कुल नहीं पसंद, थोड़ा मीठा लगता है, तो मैंने स्पाइसी के तौर पर मैंने रखा था, तो बहुत ही टेस्टी बना था। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।